हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ऑसिलेशन चैप्टर, राइट। ऑसिलेशन चैप्टर का वन शॉट वीडियो रहेगा, मैक्स एट मैक्स एक घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन क्या होता है? तो पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, राइट। ऑसिलेशन के एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट, मोशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ऑसिलेशन के। तो ऑसिलेशन के डेफिनेशन में क्या आया था? देखो, पीरियोडिक आया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो ऐसा मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या है पीरियोडिक मोशन का? तो रोटेशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, राइट, एंड सिंपल पेंडुलम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पीरियोडिक मोशन के। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है पीरियोडिक के ऊपर, वही हमारे काम का है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मोशन के रिलेटेड दो क्वांटिटी है जो हमें याद रखना है, एक है टाइम पीरियड एंड एक है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रिवोल्यूशन, वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द SHM और ऑसिलेशन, राइट। टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड मतलब टाइम है तो उसका SI यूनिट ऑब्वियस है कि सेकंड होगा, SI यूनिट हो गया। अभी कुछ क्वांटिटी है जो आपको याद रखना है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है? तो 24 आवर, राइट। टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ आर हैंड कितना है? तो है 12 आवर। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड 60 मिनट। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड दैट इज 60 सेकंड। एंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है? दैट इज 2 सेकंड। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको याद रखना है, राइट। टोटल 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बाद में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल और ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या याद रखना है? देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ इज ए रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक है बट वो ऑसिलेटरी नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है ऑसिलेशन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। SHM के दो टाइप है, एक है लीनियर SHM एंड एक है एंगुलर SHM। लीनियर मतलब एक लाइन पे अगर हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर SHM। एंड अगर एंगल पे हो रहा है, एंगल मतलब कर्व लाइन पे अगर हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? एंगुलर SHM, राइट। उसके बाद है कि लीनियर SHM क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लीनियर SHM का डायग्राम दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम में देखना हमें क्या क्या याद रखना है। ये हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया है? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का लिया है। तो जब भी ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे रहता है, राइट, उस पोजीशन को कहा जाएगा मीन पोजीशन, राइट। मीन पोजीशन मतलब ऐसा पोजीशन एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी ब्लॉक को अगर हम लोगों ने डिस्प्लेस किया राइट साइड, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है राइट साइड, या मैक्सिमम लेफ्ट साइड कितना जा सकता है? वो मैक्सिमम पोजीशन इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। तो डायग्राम के अंदर देखना, लीनियर SHM में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया है, कोई भी SHM है मान लो, उसके अंदर तीन पोजीशन रहेंगे, एक मीन पोजीशन, एक राइट एक्सट्रीम एंड एक रहेगा लेफ्ट एक्सट्रीम। तो लीनियर SHM का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में पहला डायग्राम देखो, रिलैक्स स्टेट का दिया है, ब्लॉक कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे। सेकंड डायग्राम में हम लोग ने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया राइट साइड, तो उसके ऊपर स्प्रिंग किधर फोर्स अप्लाई करेगा? लेफ्ट साइड पे करेगा। बाद में हम लोगों ने देखा थर्ड डायग्राम में कि हम लोगों ने ब्लॉक को लेफ्ट साइड लेके चले गए, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? राइट साइड लगाएगा। तो इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, इट इज़ फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया जाता है? मीन पोजीशन से। तो FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, एंड बीच में माइनस साइन आ रहा है, देखो उसको भूल मत जाना। माइनस साइन क्यों होता है?
वो इंडिकेट करता है कि x एंड एफ आर बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो एफ आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, माइनस एक्स. तो एफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा. कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस के एक्स. दैट के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, राइट. एंड उसका वैल्यू डिपेंड करता है स्प्रिंग के ऊपर. एंड उसका यूनिट क्या है, के का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर आएगा, राइट. उसके बाद एक्सेलरेशन इन SHM क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स की जगह पे पुट करो माइनस के एक्स बाय एम, तो ये क्या आएगा, माइनस के बाय एम इन टू एक्स. तो एक्सेलरेशन बना माइनस के बाय एम इन टू एक्स. फॉर गिवन डायग्राम के कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, तो के बाय एम भी कॉन्स्टेंट होगा. ए रेशियो को रिप्लेस किया जाता है ओमेगा स्क्वायर के साथ. तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाय एम, राइट. और ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला हमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ये भी सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर SHM, क्या कंडीशन है कि ऑसिलेशन कैसा होना चाहिए ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट होना चाहिए, जैसे मीन पोजिशन कहा जाता है. अबाउट दैट वो मीन पोजिशन कैसा होना चाहिए, फिक्स. सेकेंड, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, दैट इज मीन पोजिशन. एंड थर्ड कंडीशन क्या है, द पार्टिकल कम्स बैक टू द फिक्स पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. ये कुछ कंडीशन है ऑसिलेशन के और SHM के, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है अभी ऑसिलेशन के टाइप्स. ऑसिलेशन के दो टाइप है, एक है हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड एक होता है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, राइट. हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, तो ऐसा ऑसिलेशन और ऐसा SHM जिसमें सिर्फ एक साइन का टर्म आता है, राइट, उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन. एंड जिसके अंदर मल्टीपल टर्म्स आते हैं उसे क्या कहा जाएगा, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन, राइट. हमें मेनली फोकस कर रहा है हार्मोनिक ऑसिलेशन के ऊपर, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या है, तो जो आपका फोर्स का इक्वेशन है उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किसका किया, एक्सेलरेशन के इक्वेशन का. एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. अभी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो dv बाई dt. एंड v इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो dx बाई dt. तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, d2x बाई dt स्क्वायर. तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और ओमेगा स्क्वायर एक्स लेफ्ट में आ गया, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा. तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. क्या है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k बाई m. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ SHM. एक्सेलरेशन तो देखा है ना हम लोगों ने, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही पार्ट है ये. इसके अंदर हमें याद कर क्या रखना है, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन का किसी भी जनरल पॉइंट पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बोलो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, मिनिमम एक्सेलरेशन कितना. तो याद रखो उसके अंदर क्या करना, तुम लोग एक्स का वैल्यू पुट करो. एक्स का वैल्यू एक तो जीरो हो सकता है, नहीं तो प्लस है, नहीं तो क्या होगा, माइनस है. तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा. एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस ए पुट किया तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए. मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, जीरो. और ओ भी कहाँ पर होगा, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे आता है, तो मीन पोजीशन पे. एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, तो होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए. नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ SHM. अब इसका प्रॉपर डेरिवेशन है. वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हेल्प लेंगे एक्सेलरेशन के इक्वेशन का. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी. तो डी वी बाई डी टी लिखा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. बट जो इक्वेशन मिला है ना उसके अंदर देखो तीन वेरिएबल है, वी टी एंड एक्स.
तो एक्चुअल में जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे दो वेरिएबल रखे जाते हैं, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो हम तीन वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करेंगे, दो वेरिएबल में, बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या है, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो। तो हम लोगों ने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो इक्वेशन कैसा बना देखो, v इंटू दैट इज dx बाई dt, वो v होता है, एंड बाद में dv बाई dx कुछ नहीं है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अभी x को राइट साइड लेके जाओ, v लेफ्ट साइड होगा, तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट मिलेगा। यहाँ पे दिक्कत आ गया देखो कि कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट का वैल्यू डिफाइन करना है तो हम लोग यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन का। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पर हमें पता है जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है, जीरो। तो ये कंडीशन ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो तो तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट कितना मिला, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो तो फाइनली तुम्हें जो वी का वैल्यू मिलेगा वो होगा वी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो किसी भी एक जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर पे, क्या याद रखना है वेलोसिटी का। डेरिवेशन तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद रखना है देखो, SHM में वेलोसिटी का फार्मूला है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाता है, तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे बनता है, अगर x का वैल्यू क्या है देखो, अगर x का वैल्यू a पुट किया तो v कितना आएगा, जीरो। मतलब राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम पे v का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। बट मीन पोजीशन पे v का वैल्यू क्या आता है, प्लस और माइनस a ओमेगा आता है, राइट। तो ये है वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू विथ रिस्पेक्टिव पोजिशन, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड वेलोसिटी इन SHM का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, वन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला फार्मूला भी याद रखना, स्पेशली जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फार्मूला पता नहीं है, तो ये फार्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो फार्मूला आता है वो है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो क्या आएगा रिजल्ट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। तो यहाँ पे अगेन कॉन्स्टेंट आ गया देखो, तो अगेन कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला देखो, हम लोगों ने माना कि टी इज इक्वल टू जीरो को पार्टिकल ने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट से। अभी एक्स नॉट केस क्या होता है, एक्स नॉट इंडिकेट इनिशियल पोजिशन। तो पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट कर रहा है तो एक्स नॉट का वैल्यू जीरो आएगा, राइट एक्सट्रीम से कर रहा है तो एक्स नॉट का वैल्यू प्लस ही आएगा, राइट। तो मैंने क्या माना, टी इज इक्वल टू जीरो को पार्टिकल कहाँ पे था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे था। तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें जो कॉन्स्टेंट मिलता है वो क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए। अभी साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब एंगल देगा, मतलब एक कांस्टेंट क्या देगा आपको, एंगल देगा, इसीलिए उसका सिंबल क्या यूज़ किया, फाइ। अगेन अपने मेन इक्वेशन में पुट करो एंड साइन इनवर्स को राइट साइड पे लेके जाओ, तो जो एक्स है, एक्स क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। तो डिस्प्लेसमेंट इन SHM का फॉर्मूला क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें अलग अलग केस है, जैसे मान लो पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है मीन पोजिशन से, तो इनिशियल पोजीशन क्या आएगा, जीरो, तो फेज भी क्या आएगा, जीरो आएगा, एंड एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी। एंड अगर वो राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल पोजीशन आएगा प्लस ए, तो फेज आता है 90 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब ए कॉस ओमेगा टी, राइट। एंड लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल पोजिशन क्या आता है, माइनस ए। वैसे सॉल्व करते जाओ तुम्हें आंसर मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसमें याद क्या रखना है, तो सिंपल इतना याद रखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें एक्स इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, कहाँ से मेजर करोगे, मीन पोजीशन से, राइट। बाद में ए, व्हाट इज ए, ए इज एम्पलीट्यूड,
ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा के दो फार्मूला है, एक है अंडर रूट के बाय एम, एक है 2π/T। बाद में ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, फेज ऑफ एस एच एम। बाद में फाइव, फाइव क्या है, इनिशियल फेज, एंड इनिशियल फेज का फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए। एक्स नॉट क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल पोजिशन मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजिशन, राइट। उसके बाद अभी याद क्या रखना है आपको, मीन पोजिशन से पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू आता है 0 degree, एंड एक्सट्रीम पोजिशन से अपना राइट एक्सट्रीम से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू आता है 90 degree, एंड लेफ्ट एक्सट्रीम से अगर कर रहा है तो आता है -90 degree, राइट। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ और एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम, राइट। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ एस एच एम, राइट। तो एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा, राइट, ओके। एंड सिंबल क्या है उसका, कैपिटल ए। जनरली हम लोग कैपिटल ए यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल ए का भी यूज़ किया जाता है, राइट। बाद में है टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम। देखो टाइम पीरियड हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट एक दो मिनट के अंदर देखा था। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और ऑसिलेशन। एस एच एम के अंदर टाइम पीरियड क्या है, तो देखो ओमेगा क्या होता है, 2π/T, और ओमेगा का एस एच एम में फार्मूला क्या, अंडर रूट के बाय एम। तो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो टाइम पीरियड का फार्मूला मिलेगा 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के मिलेगा, राइट। टाइम पीरियड का फार्मूला 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के, एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आएगा, 1/2π अंडर रूट ऑफ के बाय एम, राइट। मतलब टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिला था हमें, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिलेगा, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मिला। बाद में वी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, फिर ए ओमेगा तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। ये था आपका एक्सेलरेशन का। अभी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। दो कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। जैसे रजिस्टर होता है सीरीज एंड पैरेलल, वैसे ही स्प्रिंग है सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या है, इस साल डेरिवेशन भी है सीरीज के लिए क्या आएगा, पैरेलल के लिए क्या आएगा। तो देखो दो स्प्रिंग वन बैक टू बैक कनेक्ट किए हैं, दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन के टू लिया, एंड के टू जहाँ पे स्प्रिंग है वहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक कनेक्ट किया। तो अगर मैं ब्लॉक को खींच रहा हूँ तो दोनों स्प्रिंग भी क्या होगा, स्प्रिंग भी इलोंगेट होने वाला है। जैसे स्प्रिंग इलोंगेट हो गए तो दोनों के अंदर एक्सटेंशन आने वाला है, तो जो एक्सटेंशन है दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग आता है। सीरीज में याद रखना एक्सटेंशन अलग अलग आता है, एंड फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहता है सेम। तो वो वैल्यूज़ कंपेयर करके हम लोगों ने फार्मूला के अंदर पुट किए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या मिला, x1 + x2। तो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स पुट करो तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा, 1 k equivalent = 1 k1 + 1 k2, राइट। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, k इक्वेलेंट k1 k2 by k1 plus k2, राइट। अभी देखते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या है, अगर हम लोगों ने ब्लॉक को खींचा तो क्या हो जाएगा, जितना फोर्स हम लोग ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स किसकी वजह से होगा, स्प्रिंग वन स्प्रिंग टू दोनों की वजह से होगा, एंड वो सेम रहने वाला है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्प्रिंग विल बी सेम। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखा गया, FR डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, फोर्स अलग अलग होगा ना, FR = FR1 + FR2। इक्वेशन में पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा k equivalent = k1 + k2 मिल जाएगा, राइट। तो जब तुम पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आंसर आता है k1 + k2, सीरीज में कनेक्ट करते हो तो k1 k2 by k1 + k2। तो याद क्या रखना है, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज एक है पैरेलल। पैरेलल में k1 + k2, सीरीज में k1 k2 by k1 + k2, राइट, ओके। उसके बाद अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ अ रोटेटिंग रॉड और प्रोजेक्टिंग अ
सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर, मतलब वही होता है प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो क्या है, देखो वहाँ पे एक रॉड रोटेट कर रहा है, राइट, रेड कलर का रॉड है, उसका जो एंड पॉइंट है ना रेड कलर से शो किया है, देखो वो एंड पॉइंट के मोशन को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। अगर ये रॉड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, राइट। तो पार्टिकल के मोशन के कुछ पॉइंट दिए मैंने पोजिशन के, 1, 2, 3, 4 सर्कल के ऊपर, तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, वो प्रोजेक्शन देखो 1-2-3-4-5-6-7-8 ऐसे दिए वहाँ पर, राइट। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो SHM जो वाई एक्सिस का जो उसका प्रोजेक्शन है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करता है, तो होता है SHM, राइट। इसीलिए SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर किया जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो वेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो मैंने क्या माना, पार्टिकल इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो को कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, राइट। अभी जैसे ही पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया कुछ टाइम में वो बी पॉइंट पे चला गया एट t इज इक्वल टू t को, तो उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा, राइट। कितने स्पीड के साथ जा रहा है, ओमेगा के साथ, कितना टाइम लगा, t लगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन t, तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा इंटू t आएगा। अभी क्या करो, वो जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें ओ एम बी के अंदर देखो, वहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोजेक्शन हमें चाहिए, हमें चाहिए वाई प्रोजेक्शन। हम लोगों ने कौन सा डायमीटर कंसिडर किया है, वाई डायमीटर वाला कंसिडर किया है, राइट। तो क्या करते जाओ, साइन या कॉस इसका सिलेक्शन कैसे करोगे, वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्शन तुम लोग कहाँ पे ले रहे हो। अगर तुम लोग ले रहे हो वाई पे प्रोजेक्शन तो तुम्हें वहाँ पे साइन थीटा लेना चाहिए, एंड अगर तुम लोगों मान लो वहाँ पे ले रहे हो एक्स पे प्रोजेक्शन तो तुम्हें वहाँ पे कॉस थीटा लेना चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, अपोजिट वाई अपॉन रेडियस वाई अपॉन आर, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा क्या है, ओमेगा टी। अरे ये तो इक्वेशन हमें किस में मिला था, SHM में मिला था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, जीरो मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजिशन, इसलिए स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन, कहीं से भी स्टार्ट करने दो, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या माना कि t इज इक्वल टू जीरो को पार्टिकल अभी x एक्सिस पे नहीं है, पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है सर्कल के ऊपर, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, राइट। तो मैंने माना कि x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, फाइ, कहाँ पर है, पॉइंट ए पे एट t इज इक्वल टू जीरो को, राइट। मतलब इनिशियली वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कितना, फाइ। तो जैसे टाइम बढ़ेगा वो मोशन में आ गया, टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल भी बढ़ेगा, तो उसने टी टाइम में कहाँ पे चला गया, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो देखो यहाँ पर फाइनली अगर वो पॉइंट बी पे है एट टी इज इक्वल टू टी को, मतलब वो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा प्लस फाइ बना रहा है, राइट। तो एक्स के साथ सारे एंगल किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे। तो x के रिस्पेक्ट में वो कितने एंगल पे चला गया, थीटा प्लस फाइव पे। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट का सिलेक्शन करता हूँ OMB का, राइट। तो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OMB, अभी यहाँ पे y का प्रोजेक्शन लो, साइन थीटा प्लस फाइव क्या आएगा, y अपॉन r, एंड y क्या है, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, एंड थीटा का वैल्यू क्या है, ओमेगा t, तो y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे r मतलब सर्कुलर मोशन है तो रेडियस है, एंड SHM है तो R क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, राइट। तो ये था जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्राफ इन SHM, राइट। ग्राफ इन SHM देखो, टोटल 7-8 ग्राफ बन सकते हैं SHM के अंदर। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसे आता है, कॉस का कैसे आता है, माइनस साइन का कैसे आता है। अगर वो पता है तो इसके ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जैसे तीन इक्वेशन पता होने चाहिए, एक्स का इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी का इक्वेशन क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड मीन पोजिशन है तो फाइव का वैल्यू 0 डिग्री, एंड एक्सट्रीम है तो फाइव का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो एक एक ग्राफ यहाँ पे मैंने शो किए डायग्राम के अंदर। देखो अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, उस केस में
जो ग्राफ आएगा देखो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस मीन पोजिशन है तो जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी, राइट। तो एक्स का जो ग्राफ है उसमें साइन आएगा, वी के ग्राफ में कॉस आएगा एंड ए के ग्राफ में माइनस साइन आने वाला है। सिमिलरली अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो फाई का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करो एंड ग्राफ ड्रॉ करो, आपको ऐसे ही मिलने वाला है, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन फ्रॉम दी ग्राफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या है कि एक जनरल कंडीशन देखते हैं, एक्स का एक्स ए एंड एक्स वी एंड ए, एक्स अगर साइन है तो वी कॉस है एंड ए क्या है, माइनस साइन है। मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, साइन कॉस ही आ रहा है। थर्ड सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व आर साइन कर्व एंड वेलोसिटी टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व। दिस इज एप्लीकेबल फॉर किसी भी जनरल केस के लिए, राइट। नेक्स्ट, देर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। हमेशा डिस्प्लेसमेंट में कौन है, साइन है, इधर कौन है, कॉस है, फेज डिफरेंस कितना है, 90 का। बाद में देर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कितना, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी में कॉस है, एक्सेलरेशन में साइन है। तो अभी देखते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम। एनर्जी मतलब एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एस एच एम के पास दो एनर्जी होती है, एक है काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर एंड जो वी है, वी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आएगा 1/2 के इन ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी पॉइंट यहाँ पे क्या क्या याद रखना है हमें, पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला 1/2 के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। मीन पोजीशन पे हो तो काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2 के स्क्वायर एंड एक्सट्रीम पे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जीरो आएगा, राइट। बाद में पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी ये आपके लिए डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके सिलेबस का। पोटेंशियल एनर्जी इन एस एच एम क्या है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लो, जो डायग्राम में रेड कलर से शो किया, देखो ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, खींचता हूँ, पुल करता हूँ। ब्लॉक का मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है तो ब्लॉक्स के ऊपर स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, वो कितना करेगा, माइनस के एक्स। मतलब जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, दैट इज फोर्स इज वेरिएबल, क्योंकि एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो जो वर्क का फार्मूला आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो फोर्स का वैल्यू कितना, माइनस के एक्स, डी एक्स है, कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो एंगल 180, कॉस 180 माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सॉल्व करोगे तो वर्क क्या मिलेगा, 1/2 के एक्स स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा फाइनली, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, राइट। अब इसमें क्या क्या याद रखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वेयर। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि हाफ के ए स्क्वेयर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रहा है, देखो, राइट। नेक्स्ट आते हैं टोटल एनर्जी पे। टोटल क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एडिशन। काइनेटिक कितना, 1/2 के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। पोटेंशियल कितना, 1/2 के एक्स स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 के एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1/2 के ए स्क्वायर। ऑब्जर्व करना, टोटल के अंदर एक्स का टर्म नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एंड सिर्फ के एंड ए। ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड। अभी देखेंगे हम लोग इसके ग्राफ, तो ऊपर टेबल है, नीचे ग्राफ है। ऑब्जर्व करना टोटल एनर्जी का ग्राफ, टोटल एनर्जी कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वहाँ पे डायग्राम में देखो ग्रीन कलर से शो किया है, एक रेक्टेंगल बन रहा है वहाँ पर, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। बाद में पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला बनेगा। तो ब्लू कलर वाला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ब्लैक कलर वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी इन टर्म ऑफ टाइम टी। अभी तक के फार्मूला क्या थे, एनर्जी इन टर्म ऑफ एक्स था, अभी क्या है, एनर्जी इन टर्म ऑफ टाइम टी। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है,
हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके अंदर पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 ka² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx², तो एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 ka² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एडिशन ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1/2 ka² राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट राइट। अभी देखेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू SHM राइट। कंपोजिशन मतलब क्या है, दो SHM अगर आपको दिया है, इक्वेशन दिया है, तो उसका एडिशन करना है, और एडिशन भी कैसा, वेक्टर एडिशन करेंगे हम लोग राइट। तो कंसिडर करो कि दो SHM है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का फेज भी अलग अलग है, बट दोनों का एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x1 दिया a1 sin omega t plus phi 1, x2 दिया a2 sin omega t plus phi 2। ऑब्जर्व करना दोनों में ओमेगा सेम है राइट, a1 a2 phi 1 phi 2 सेम हो अलग हो डजेंट मैटर, बट ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए राइट। बाद में इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi। तो ये जो a होता है, a इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड जो phi होता है, phi इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फेज। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या है, तो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, phi 1 माइनस phi 2, हालांकि यहाँ पे phi 1 phi 2 दी है ना, तो phi 1 माइनस phi 2 आएगा, एंड जो tan phi है, tan phi का इक्वेशन क्या आएगा, a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 divided by a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 right। tan में याद रखना ऊपर sin आता है, नीचे cos आता है right। इसमें याद क्या रखना है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों भी अच्छे से कर लेना तुम लोग। क्या याद रखना है कि x1 x2 का इक्वेशन, बाद में x का इक्वेशन क्या, a sin omega t plus phi, a का वैल्यू एंड रिजल्टेंट फेज का वैल्यू राइट। इतना याद रखो, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अभी सिंपल पेंडुलम, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, उसके एंड को हम लोगों ने एक बॉब कनेक्ट कर दिया जिसका मास क्या है, एम है। ये बॉब क्या माना जाता है, पॉइंट मास माना जाता है राइट। अभी देखो, अगर हम लोगों ने उसको पुल करके छोड़ दिया, रिलीज किया, तो क्या करेगा, अबाउट दैट मीन पोजिशन वो एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा राइट। तो इसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो मान लो कि सिंपल पेंडुलम जो है रेस्ट पे है, मीन पोजिशन पे है। अभी तुम लोग उसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो राइट साइड, कितना एंगल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल थीटा। तो थीटा कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में राइट। अगर तुम लोगों ने रिलीज किया तो किधर जाएगा, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएगा। मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो एक लग रहा है टेंशन और एक लग रहा है mg, बट टुवर्ड द मीन पोजिशन कौन लग रहा है, यहाँ पे लगेगा mg लगेगा। तो mg को रिजॉल्व करके ले लो, mg को तुम लोग अगर रिजॉल्व करोगे तो टुवर्ड द मीन पोजिशन फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, एंड जो फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजिशन होता है उसे क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा, एंड देखो वहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में है, थीटा राइट में जा रहा है, तो माइनस वहाँ पे आने वाला है। तो अभी स्मॉल एंगल के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो FR इज इक्वल टू माइनस mg थीटा आएगा। एंड डायग्राम में देखो थीटा क्या आने वाला है, थीटा इज आर का अपॉन रेडियस, आर क्या है x, एंड रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो x बाय l। तो फार्मूला में पुट करोगे तो फोर्स का फार्मूला क्या मिलेगा, माइनस mg बाय l इंटू x मिलेगा राइट। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, बोलो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना। अभी एक बार फोर्स का इक्वेशन मिला हमें, माइनस mg बाय l इंटू x, इसको क्या करो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, FR इज इक्वल टू माइनस kx, तो k क्या मिलेगा, mg बाय l, एंड हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, उसमें k का वैल्यू पुट करो, नहीं तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय l है, तो उसको सॉल्व करो, टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2π√l/g मिलेगा राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज l/g। ऑब्जर्व करना, टाइम पीरियड सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक है लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड दूसरा है
acceleration due to gravity and time period is independent of mass of the ball. उसके बाद अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्या क्या याद रखना है. देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2π√L/g था, बट एक्चुअल में वो एल इफेक्टिव बाय जी इफेक्टिव ऐसा याद रखना है. एल इफेक्टिव जी इफेक्टिव क्यों लिखा, क्योंकि जो लेंथ है वो किसका है, स्ट्रिंग का. मान लो स्ट्रिंग मेटल से बना हुआ है तो मेटल के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज होगा. इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, देखो कि टेम्परेचर बढ़ा तो बोलो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, तो लेंथ बढ़ेगा, इसीलिए वहाँ पे एल इफेक्टिव लिखा है. तो एज लेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस एंड टाइम पीरियड इंक्रीजेस. तो क्या है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी. अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. फाइनल लेंथ क्या आता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद, एल टू इज इक्वल टू एल वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. अल्फा डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट. एंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन टाइम पीरियड, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा ही है डिटेल में कि पॉइंट टू पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है. हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन अलग, डेप्थ पे जाओगे तो एक्सेलरेशन अलग, मून पे जाओगे तो एक्सेलरेशन अलग. मून एंड अर्थ का क्या रिलेशन होता है रिलेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून. नहीं उल्टा बोला क्या, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, राइट. चलो नेक्स्ट है सेकेंड पेंडुलम. सेकेंड पेंडुलम मतलब कुछ नया नहीं है, सेकेंड पेंडुलम मतलब सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड. अगर फार्मूला में 2 सेकेंड पुट करोगे तो लेंथ कितना मिलेगा, 1 मीटर. तो सेकेंड पेंडुलम के अंदर याद कर रखना है, सेकेंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, लेंथ कितना होता है 1 मीटर, राइट. ओके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, दैट इज टॉर्जिनल ऑसिलेशन. टॉर्जिनल सिंपल पेंडुलम एंड टॉर्जिनल ऑसिलेशन के अंदर और एंगुलर ऑसिलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो दोनों में स्ट्रिंग था लेंथ एल, वहाँ पे बॉब कनेक्ट किया था, यहाँ पे डिसकनेक्ट किया है, राइट. तो बॉब को हम लोग क्या कर रहे थे, पुल करके रिलीज कर रहे थे, यहाँ पे डिस्क को पुल नहीं करना है, डिस्क को घुमाना है, रोटेट करना है. तो डिस्क को रोटेट करोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग भी रोटेट होगा. एंड रोटेट करके डिस्क को रिलीज करोगे तो स्ट्रिंग रुकेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर पहले से रोटेशन आया है, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा. तो रोटेट हो रहा है मतलब वहाँ पे टॉर्क है, तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड होता है कि तुम लोगों ने डिस्क को कितना घुमाया है, दैट इज एंगल थीटा पे. तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू क्या आएगा, थीटा आएगा. तो बाद में इससे एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा, तो अल्फा आएगा माइनस सी बाय आई इंटू थीटा. एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन मिला तो टाइम पीरियड निकाला, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम एक्सेलरेशन लीन पहले SHM में देखा था, फॉर्मूला क्या मिला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एंड एंगुलर में देखा अभी तो अल्फा क्या मिला हमें यहाँ पर, माइनस सी बाय आई इंटू थीटा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी बाय आई होना चाहिए. कंपेयर करो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2π√I/c. आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. एंड सी क्या है, वो कॉन्स्टेंट है. बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था, माइनस सी बाय आई इंटू थीटा. अल्फा को थीटा में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, ओमेगा डी थीटा बाय डी टी. अल्फा क्या है, डी टू ओमेगा बाय डी टी स्क्वायर, तो डी टू ओमेगा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, राइट. नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हालांकि इस पॉइंट पे आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा टफ जाने वाला है, अगर ये डिटेल में समझ के लेना है तो आप रेगुलर सीरीज का वो वीडियो अच्छे से देख सकते हो, राइट, मैग्नेट वाइब्रेटिंग का, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक आने के लिए. तो अभी अपना वन शॉट लेक्चर चल रहा है तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. देखो मैग्नेट दिया, मैग्नेट के 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो प्लस QM. साउथ पोल का क्या होता है, माइनस QM. QM इज अ पोल स्ट्रेंथ, राइट. एंड नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, साउथ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड होगा. हम लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट को रखा, तो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेट क्या होगा, घूमेगा, यहाँ पर घूम रहा है मतलब टॉर्क लगेगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ
आर साइन थीटा, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो लग रहा है क्यू एम इंटू बी इंटू आर, क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2L इंटू साइन थीटा, तो ये फाइनली आएगा क्यू एम इंटू 2L इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्यू एम इंटू 2L को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट, एंड वो क्या आ जाता है म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा, एंड टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी आता है, राइट। बाद में इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन, हालांकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दो क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो देखो टॉर्क आ गया ना, तो टॉर्क क्या मिला था म्यू बी साइन थीटा, स्मॉल एंगल के लिए डिस्कशन करेंगे, साइन थीटा क्या आएगा थीटा आएगा, तो टाउ क्या आएगा म्यू बी थीटा, राइट। तो हमें पता है टाउ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू इंटू थीटा होता है, तो सी का वैल्यू क्या है हमें म्यू बी मिला, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मिला था 2π√i/c, वहाँ पे सी का वैल्यू पुट करो, तो मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड क्या मिलेगा 2π√i/μb मिलेगा, राइट। अभी देखेंगे हम लोग ऑसिलेशन के टाइप, ऑसिलेशन के देखना तुम लोग स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करना, बहुत सारे टाइप आ रहे हैं, हार्मोनिक था, नॉन हार्मोनिक है, SHM है, नॉन SHM है, अभी आ रहा है डैम्प्ड अनडैम्प्ड, बाद में होगा फ्री फोर्स, राइट। तो ऑसिलेशन क्या है, ऑसिलेशन के टाइप दो है, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट होता है टाइम के, एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, दोज ऑसिलेशन हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम, राइट। देखते हैं वन बाय वन, अनडैम्प्ड का थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। अनडैम्प्ड में क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके ऊपर एक ही फोर्स लगता है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, इसका वैल्यू क्या है -kx, बाद में उसका एक्सेलरेशन है -ω2x, एंड ओमेगा क्या है √k/m, बाद में उसका जो x मिलता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव मिलेगा, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है d2x/dt² + ω2x = 0, राइट। अगर तुम लोग x का ग्राफ प्लॉट करोगे तो x का ग्राफ क्या मिल, साइन था x के ग्राफ में, तो साइन प्लॉट करो एंड उसका एम्पलीट्यूड कितना a है, ऑब्जर्व करना डायग्राम के अंदर उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली a है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में, डैम्प्ड ऑसिलेशन के डायग्राम में देखो, वही अनडैम्प्ड का ही डायग्राम है, सिर्फ क्या किया नीचे कंटेनर लगा दिया, उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड कुछ भी मान लो, तो क्या होता है अगर लिक्विड नहीं है, तो मान लो ये आपका जो SHM है कुछ स्पीड के साथ हो रहा है, जैसे लिक्विड आ गया तो लिक्विड क्या करता है, वो बॉब जो ब्लॉक है उसके मोशन को अपोज करता है, तो उसका स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो कुछ टाइम पे वो रेस्ट पे आने वाला है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, राइट, एंड रिड्यूसेस टू जीरो। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा स्प्रिंग का एंड एक लगेगा लिक्विड का, लिक्विड का जो फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है विस्कस फोर्स, तो नेट फोर्स कितना आएगा -kx - bv, बी क्या है यहाँ पर लिक्विड का कांस्टेंट है, बाद में एक्सेलरेशन क्या आएगा -k/m(x) - b/m(v, राइट। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अभी प्रैक्टिस हो गए ना डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालना है, बस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करो डिस्प्लेसमेंट में, तो आएगा d2x/dt² + b/m (dx/dt) + k/m(x) = 0, राइट। ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर उसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो x का इक्वेशन मिलता है (a)(e^(−bt/2m)cos(ω′t + φ), एंड ओमेगा डैश क्या है √k/m - bt/b/2m है, राइट। एंड इसका एम्पलीट्यूड कितना है (a)(e^(−bt/2m), देखो एम्पलीट्यूड में टाइम का टर्म आ रहा है ना, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है, राइट। तो डायग्राम देखो (e^−x) का ग्राफ कैसे आता है, डिक्रीजिंग आता है, एंड कॉस का ग्राफ जीरो मतलब वन से स्टार्ट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ग्राफ मिलने वाला है, ग्राफ में देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका एम्पलीट्यूड घटते जा रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगेन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के अगेन दो टाइप, एक है फ्री ऑसिलेशन एंड एक है फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, स्विंग का ऑसिलेशन, जैसे हम लोगों ने क्या किया उसको खींचा इधर, पुल किया, रिलीज किया, रिलीज करने के बाद वो क्या होगा ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा एंड कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आने वाला है, तो उसे कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन। अभी मुझे क्या करना है, वो स्विंग को कंटिन्यूसली मोशन में रखना है, तो मोशन में रखना है तो मुझे बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसे क्या कहा जाता है फोर्स ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के दो टाइप है, एक है फ्री ऑसिलेशन एंड एक है फोर्स ऑसिलेशन, राइट। तो ये था आपका ऑसिलेशन का वन शॉट वीडियो, इसमें लगभग सारे पॉइंट कवर किए गए हैं, राइट।
एंड अगर आपको डिटेल में इसका थ्योरी भी पढ़ना है, डिटेल में सारे डेरिवेशन देखने, तो बाकी के वीडियो भी तुम लोग देख सकते हो, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाए कि कम से कम टाइम में सारा का सारा रिवाइज हो सके, राइट। तो अच्छे से रिवाइज करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।